दोस्तों राजस्थान की जो स्कॉलरशिप है, आप सभी को ये तो पता है कि राजस्थान में स्कॉलरशिप जो आ रही थी 2022-23 के छात्रों की और 2021-22 के छात्रों की भी पहले से दी जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि अगर आपकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो क्या आचार संहिता में स्कॉलरशिप आपकी आएगी या फिर नहीं आएगी, और आगे जब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद में न्यू स्टूडेंट भी आएंगे तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कॉलरशिप आखिर कब मिलने वाली है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको एक बार ये कंफर्म करके आपको बता देता हूँ, जो भी इसका अपडेट आगे रहेगा वो भी आपको टाइम पर बता दिया जाएगा। लेकिन अब आचार संहिता लगने वाली है, क्या लगी गई दोस्तों, और इसके बाद में आचार संहिता आपकी 3 दिसंबर के बाद में हटेगी, तो यहाँ से जो बिल अब बन रहे हैं या नहीं बन रहे तो क्या है कंप्लीट जानकारी, एक बार मैं आपको कम्प्लीटली यहाँ से बता देता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले अपने जनसूचना पोर्टल पर लेके चलता हूँ, क्योंकि दोस्तों जनसूचना पोर्टल होता है ये आपके लिए जो बिल बनते हैं उनको यहाँ पर दिखा देता है। तो यहाँ पर जो नए बिल बन रहे हैं तो क्या जनसूचना पोर्टल पर अभी अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ नया बिल, तो क्या है यहाँ से आपको एक बार चलिए देख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर नए बिल हैं स्कॉलरशिप वाले वहाँ आपको लेकर चलता हूँ सोशल स्कॉलरशिप वाले पोर्टल पर। दोस्तों अब इस पोर्टल पर आपको ये चीज़ देखनी है कि जो बिल बनते हैं 2022 के छात्र हैं ओल्ड स्टूडेंट, तो उनके बिल अभी बने या फिर नहीं बने। तो दोस्तों यहाँ से चलिए मैं आपके सामने यहाँ पर अपनी जो ईयर है सेलेक्ट कर रहा हूँ, 2022 ही कर रहा हूँ अभी। 2022 अब अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप क्या आ रहा है। दोस्तों अपर्याप्त कारणों से संबंधित विभाग ने डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा, सुविधा के लिए खेद है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप 2021 चेक करो या फिर 22, या फिर आप कोई भी पोर्टल आपको इस स्कॉलरशिप का किसी भी ईयर का चेक करेंगे बिल तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से विभाग ने जो ये पोर्टल है ना अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, यानी कि आप अभी आपके कोई भी बिल बनकर नहीं आएंगे। हाँ आपके जो स्कॉलरशिप है उनकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो सकती है, पेमेंट सेक्शन हो सकता है, लेकिन आपके भी बिल नहीं आने वाले, तो ये आचार संहिता हट जाएगी तभी इनका बिल आना होगा। तो ये सबसे ज़रूरी अपडेट थी दोस्तों, क्योंकि ये पोर्टल बंद कर दिया है तो छात्रों को परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पोर्टल ओपन तभी होगा जब आचार संहिता यहाँ से हट जाएगी और तभी आपके बिल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपडेट है दोस्तों, अगर बिल के इंतज़ार में बैठे हुए तो आपको 3 दिसंबर का और इंतज़ार करना होगा, उसके बाद भी आपके नए बिल आएंगे, क्योंकि नए बिल काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने आपको ये अपडेट दिया है। तो आशा करता हूँ आपको डिटेल समझ में आ गई है, फिर भी वीडियो के अलावा कोई भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।